कटनी के झिंझरी चौकी क्षेत्र में संचालित दूध सामग्री से जुड़े पदार्थ बेचने वाले दूध डब्बा नामक दुकान पर मिलावटी पनीर की शिकायत मिलने पर झिंझरी पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करने लगी। औषधि विभाग को बुलाकर मिलावटी दूध दही समेत पनीर का सैंपल भी लिया गया। ऐसा कंप्लेंट मिला था कि कलेक्ट्रेट के पास जो झिंझरी है यहाँ पर एक फर्म है दूध डिब्बा, ऐसा कंप्लेंट आया कि इनके पास जो पनीर है, जिसने पनीर कंप्लेनर ने जो पनीर लाया है वो थोड़ा सा स्पंजी टाइप का आ रहा है। इस आशंका पर पुलिस विभाग द्वारा तथा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट संयुक्त दल से जाँच किया। जाँच करने के बाद यह पाया गया कि इनके पास लगभग 20 किलो पनीर, 5 से 6 किलो क्रीम, 20-25 लीटर दूध और दही पाया गया। तो आशंका के आधार पर वो चारों के नमूने लिए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी कटनी जी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं दिवाली पर्व के चलते मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु, जिसमें बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी ये दूध डब्बा जो झिंझरी में है, दूध पनीर की दुकान, इसमें जिसमें अपने ही एक पुलिसकर्मी को सिविल ड्रेस में भेजा गया और उससे पनीर खरीदा, जो घर पर आकर के जब उसको फ्राई किया गया तो वो नकली पनीर सा प्रतीत हो रहा था, जो तुरंत ही मौके पर पहुंचकर खाद्य विभाग की मदद से वैधानिक कार्रवाई की गई एवं दूध पनीर दही को जब्त कर उसको खाद्य विभाग द्वारा ही जांच के लिए भेजा गया। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News App डाउनलोड करें।